हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक और दो सम किए थे हमने उसका, ठीक है। हमने उनको एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ कोट ए एंड सीकेंट ए, लेकिन अब हम सम करेंगे जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आई थी, जो तीन आइडेंटिटी थी उनका यूज करके जो सम होते हैं। एक बार हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उन तीन आइडेंटिटीज को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सेकेंड आइडेंटिटी थी हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी थी वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो हम इनका यूज करेंगे और इनके साथ साथ जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थी उनका भी हम यूज करेंगे। क्या थी वो हमारे पास? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसके दो सम करेंगे। एक तो सम ये है और एक इसके आगे, हाँ वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, इन दो सम को ही हम करेंगे। तो बच्चों पूरी वीडियो देखनी है, इसके हमारे दो पार्ट हैं, तीन से चार पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट सम क्या बोलता है। इवेल्युएट दिस, ये जो लिखा है इसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट के प्लेस पे फॉर्मुलेट, कैलकुलेट, सिंपली कुछ भी लिखा सकता है, हमें उसको सोल्व कर देना। अब यहाँ पे हम देखते क्या है, पहले साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें? अगर हम ऊपर जो एंगल है हमारे पास, सिर्फ एंगल देखें 63 डिग्री एंड 27 डिग्री, अगर हम इनका सम करके चेक करें तो कितना बनता है? 90 बनता है। सिमिलर वे में नीचे भी हमारे पास 90 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यहाँ पे यूज क्या हो सकता है? हम उनको चेंज कर सकते हैं, साइन को कोस में, कोस को साइन में, इट मीन्स को हटाना और लगाना, यही काम कर सकते हैं हम। पूरे में साइन और कोस है तो साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं या कोस को साइन में चेंज कर सकते हैं। अब बिना मतलब के तो हम इसको चेंज करेंगे नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे कोस ले आऊँ और इन दोनों में से किसी एक के प्लेस पे साइन ले आऊँ, तो मेरे पास फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर साइन और कोस आता है, उसका यूज हम कर सकते हैं अगर थीटा सेम आता है तो, क्योंकि दोनों जगह पे थीटा था ना। थीटा का मतलब क्या? जो एंगल आएगा वो सेम होना चाहिए। अगर 20 आता है तो 20 बन जाएगा। मतलब कैसे? साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक, अगर हमारे पास 17 डिग्री आता है, साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री इज इक्वल टू 1, इट मीन्स जो एंगल है वो सेम आना चाहिए। 20 आए, 17 आए, 70, कोई भी एंगल आ सकता है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं उनका। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या बनता है, ये पहले मैंने इसको मैंने आपको बताया था, इस लाइन को बोलते हैं वेंकुलम। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज रख के रखा है यहाँ पे, साइन स्क्वेयर 63 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, इस 27 डिग्री को मैं चेंज करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में। तो ये तो मैंने यहाँ पे एज इट इज ही रखा साइन स्क्वेयर, तो 27 डिग्री को मैं 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास 27 आ जाए? कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं? 63 डिग्री ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ में रखा है, हमने इसे सम भी किए हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। अब 17 है, 90 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास 17 डिग्री आ जाए? यही सब्ट्रैक्ट करेंगे 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखें ध्यान से, जो यहां पे आया हमारे पास फर्स्ट साइन स्क्वेयर 63 डिग्री एज इट इज, जो स्क्वेयर है ये एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्क्वेयर को ना भूल जाओ। फिर देखो क्या साइन 90 माइनस 63, तो क्या ये आपको साइन 90 माइनस थीटा की तरह नहीं दिखाई देता? अगर ये साइन 90 माइनस थीटा की तरह दिखाई देता है तो थीटा कौन है वहां पे? 63 डिग्री है। तो क्या बनता है साइन 90 माइनस थीटा? कोस थीटा बनता है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? कोस थीटा। जो स्क्वेयर है वो एज इट इज रहेगा और थीटा कौन है यहाँ पे? 63 डिग्री है हमारा, कौन? थीटा। सिमिलर वे में अगर आपको ये समझ आ गया तो ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ये है हमारे पास यहाँ पे
कोस स्क्वेयर 73 डिग्री एज इज रखा हमने, सेम काम यहाँ होगा, कोस स्क्वेयर 90 माइनस 73, कोस जो स्क्वेयर है उसको एज इज रखो, तो कोस 90 माइनस थीटा है तो क्या बन जाता है, साइन थीटा, तो थीटा कौन है 73, जो स्क्वेयर है वो एज इज रहेगा। रीजन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या रीजन आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना बनता है, ये कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा ये कितना बनता है हमारे पास, साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर अब ऊपर ध्यान से देखें आप लोग, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, थीटा सेम है 63 साइन के साथ भी 63 कोस के साथ भी, तो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, वन होती है, बशर्ते थीटा सेम होना चाहिए, थीटा फर्स्ट में 63 है सेकंड में 73 है, इट मीन्स एंगल तो सेम ही है, तो क्या बन जाता है ये हमारे पास, वन ही बन जाता है, वन अपॉन वन क्या आ जाएगा, वन ही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, समझ गए। एक बार फिर देख ले, हमने क्या किया, इसको यहाँ पर चेंज कर दिया उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो ये आ गया, लेकिन साइन के साथ जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम यूज़ करेंगे तो को लगेगा या हटेगा, साइन के साथ को नहीं है तो लगा दो क्या बनेगा, कोस बन जाएगा, सिमिलर वे में यहाँ से को हट जाएगा तो क्या बनेगा, साइन बनेगा, फिर पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाती है। ऐसे ही हमारे पास इसका पार्ट नंबर टू है, क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, वही यूज करो, देखो 25 और 65 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री का यूज करेंगे हम, किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं हम, यूज वही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब यहाँ पे साइन कोस है तो यही आइडेंटिटी है हमारे पास, इसी का यूज होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वेयर बनाता हूँ, साइन स्क्वेयर मेरा कैसे आ सकता है, जब हम साइन इंटू साइन करेंगे तब आएगा, कोस स्क्वेयर कैसे आएगा, कोस इंटू कोस करेंगे, तो एक तो साइन ऑलरेडी है इसको साइन में चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से यूज करके, एक कोस ऑलरेडी है इसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों, तो यही काम करते हैं हम, देखें ये हम एज इट इज लिख के रखते हैं, ठीक, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो 90 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास 65 आ जाए, कितना सब्ट्रैक्ट करें, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिमिलर वे में यहां पे कोस 25 एज इट इज है तो साइन में से 65 लेके आने के लिए मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं 90 में से, तो यहाँ भी मेरे को 25 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है, मैंने आपके नज़दीक लिख दी, इसको मैं ले आया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से समझ आए, ठीक है, अब क्या बनेगा, ये एज इट इज रहेगा मेरे पास साइन 25 डिग्री, यहाँ क्या बनेगा, कोस 90 माइनस थीटा है आप सभी को पता है, क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, ये मेरे पास कोस थीटा रखा है, साइन 90 माइनस थीटा है, ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बनेगा, जो कि इतना बनता है, खुद देखो साइन इस मीन्स कोई एंगल ही है, कोई वैल्यू है, क्या बनेगा ये, यहाँ पे साइन स्क्वेयर हो जाएगा, जो एंगल है वो तो आ ही जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल आ जाएगा ये, ठीक है, इसका रीजन हम यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, और यहाँ पे क्या आया था, कोस 90 माइनस थीटा, तो आपको लिख लेना यहाँ पे, अब आप खुद समझदार हो, इसके बाद क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा कितना होता है, वन होता है, ये आंसर है। अब जो ये एक 8.4 एक्सरसाइज है, इसमें हर चीज यूज होगी, 8.1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, और 4 की तो यूज होगी ही, इसीलिए यहाँ से 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, यह तो एक्सरसाइज में से ही आ जाता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो, अगर थोड़ी सी भी किस्मत थोड़ी दाएं बाएं है तो बाहर से क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा है जो इन सभी के यूज करने के बाद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, जो करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी डी में से इनको चूज करना है और इसको जस्टिफाई करना है, मतलब हम डायरेक्ट ए बी सी डी पे ऐसे ही गैस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मैच करेंगे, तो जो उसकी सिंप्लीफिकेशन आई वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है,
9 secant square a माइनस 9 tan square a, सोल्व करना इसको बस, ये मान के चलो कि ऑप्शन है ही नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उठा के नीचे लिखते हैं, क्या आया हमारे पास 9 secant square a माइनस 9 tan square a, यह आ गया। यहाँ से क्या बनता है, 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया secant square a माइनस 10 square a। अब secant square और 10 square theta वाली कोई आइडेंटिटी है हमारे पास, दिमाग पे जोर डालो, सोचो। फर्स्ट में तो साइन कोस था, तो सेकंड में ही 10 और secant था। आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस 10 square theta इज इक्वल टू secant square theta, 1 प्लस 10 square theta इज इक्वल टू secant square theta। क्या करो, इस 10 स्क्वेयर थीटा को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो यहां क्या बचा, 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा। तो सेकंड स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो क्या ये हमारे पास वही नहीं है, वही है। तो क्या बनता है, ये हमारे पास 1 बन जाता है। किस वजह से, रीजन आपको पता है, लिख लेना है क्या, कि secant square theta is equal to 1 plus 10 square theta। तो ये 9 आंसर आ गया। अब आंसर आने के बाद ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 देखे क्या है, 1 plus 10 plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta। ऑप्शन मान लो है ही नहीं, स्टार्ट तो करो कम से कम। इसको लिखते हैं, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हमने इसको लिखा यहां पे, तो क्या आया, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो बच्चों यहां तो कुछ कॉमन आ गया था, यहां तो कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सम को याद रखना, जो आगे क्वेश्चंस आएंगे 3 या 4 नंबर के, उस कंसेप्ट में को स्टार्ट कैसे करते हैं मैं आपको यही बता रहा हूं, ठीक। क्या करो, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, सिंप्लीफाई करके। सबसे सिंपल क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में। टेन थीटा आता है उसको भी साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, सीकेंट आता है उसको 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, कोसेकेंट आता है 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, कोट आता है कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ऐसे लिख लो उसको, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, यहां पे ये 1 है एज इट इज। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आपको पता होना चाहिए। फिर सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा, इस 1 को मैं 1 अपॉन 1 लिख देता हूं। सिमिलर वे में इसको लिख सकते हैं, 1 कोट थीटा बन जाता है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, इस 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख देते हैं। अब देखो कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ले लो एलसीएम, फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम अलग से ले लेते हैं हम, यह आ गया सिम। अब आपको पता ही है क्या करेंगे इसके बाद हम, कोस थीटा यहाँ आता है, यहाँ पे साइन थीटा आता है, यहाँ पे 1 आता है। सिमिलर प्रोसेस यहाँ करेंगे सेकंड ब्रैकेट में, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाता है हमारे पास साइन थीटा, ऊपर आ जाता है कोस थीटा, और फिर आता है माइनस 1। एलसीएम है सबको पता है कैसे लेते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान से, सिर्फ थोड़ा सा देखें क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। क्या करो, अगर मैं इस पे लाइन ब्रैकेट लगा देता हूं ऐसे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाइन ब्रैकेट लगाते ही हमारा काम हो गया, हमें नेक्स्ट स्टेप समझ में आएगा। क्या, इसको मैं पूरे को ए की तरह ट्रीट करता हूं, ए जो यहां से यहां तक प्लस बी, सिमिलर यहां पे ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी आपको ध्यान आ गई, कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए का काम कौन करेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और b का काम कौन करेगा, 1, ओनली 1।
कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेकंड फ्रैक्शन के साथ, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी। उस लिहाज से हमारे पास क्या बन के आ जाता है, ये साइन मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा। तो ए तो हमारा यही है माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे हमारे पास रह जाता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह आ गया रीजन, आप लोग लिख दोगे यहाँ पे आई एम श्योर। फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या बनता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए इंटू बी, और ये वन का स्क्वायर होता है वन, तो इतना आ गया बच्चों हमारे पास। अपॉन रह जाता है डायरेक्ट साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। क्यों, क्या किया, इस ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कहां से आया, ये पूरा इसको ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगा दी। अब यहां फिर देखो ध्यान से, फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सिर्फ इतने के प्लेस पे हम वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो हम लिख देते हैं। अगर लिख सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ, स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ करते हैं एडजस्ट, ठीक है, ये है हमारे पास, थोड़ा पीछे ले जाते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, ये आई थिंक समझ गए आप लोग, बी आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया वन आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, फिर प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा बचा और माइनस वन, अपॉन बन जाता है जो रह गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया। इस वन से ये वन कैंसल्ड होता है, इसके साथ में आपको रीजन देना है कि ये वाला वन कहां से आया, ये इनको कंबाइन करके जो आइडेंटिटी बनी उनसे आया, ये बच गया हमारे पास। इसको मैं क्या लिख लेता हूं, टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, जो कि कंप्लीट कैंसल आउट हो जाता है, कितना आता है टू। अगर यही क्वेश्चन आपके पास लिखा आ जाए, पूरी स्टेटमेंट लिख के प्रूव दैट जो स्टेटमेंट आई इज इक्वल टू टू, तब भी यही प्रोसीजर है, एक नंबर में आए तब भी यही प्रोसीजर है, ठीक है बच्चों। तो ये चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है हमारा, देख लें आप लोग, ठीक है, किया कैसे वो भी आपके सामने है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ से स्टार्ट किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा साइन कोस की फॉर्म में, सबसे अच्छा तरीका यही है, एलसीएम बनता है ले लो, ले लिया हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी दिखता है, बना दो आइडेंटिटी, रीजन यहाँ डाल देना, लिखना है आपको रीजन यहाँ पे कि भाई को क्या हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, क्या लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फिर ये आ गया, इसका भी पता है क्या किया हमने, सब कुछ पता है तो सोल्व कर लिया। ऐसे ही हमारे पास पार्ट नंबर इसका सी और डी आता है, जो कि मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आपको अपने आप करना है। जैसे हमने ये पार्ट बी किया, इसी की तरह से पार्ट सी आएगा, और ऐसे ही सोल्व करना है, ऐसे ही आंसर आएगा, आप लोग निकाल लोगे। मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, देखना, ये स्टेटमेंट लिखता हूं मैं यहां पे थर्ड पार्ट की, क्या बनती है वो, सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू में आता है वन माइनस साइन ए, सिंपल है, सिंप्लीफाई इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, क्या बनता है ये, वन अपॉन कोस ए, और टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, और ये तो एज इट इज रहे, यहाँ ऐसे ही रह जाता है। एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है वन प्लस साइन ए अपॉन में आ जाता है कोस ए, और मल्टीप्लाई में तो ये है ही। फिर देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई, क्या ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर वन, बी का काम कौन करेगा साइन ए, और अपॉन में जो रहता है वो रहे क्या है कोस ए,
अब फिर हमें पता है फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो वहां से मैं वन प्लस वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इनडायरेक्ट फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा की निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा क्या आता है, वन यहाँ रखा ही है, साइन को उठा के ले जाओ, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसके प्लेस पे पुट कर देता हूँ, क्या बन जाता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ऑलरेडी है, तो एक पावर कैंसल आउट हो जाती है, क्या आ जाता है रीजन आप लिख लोगे यहाँ पे, कोस ए आ जाता है, ऑप्शन में चेक कर लेना कौन सा है, ठीक है। ऐसे ही इसका डी पार्ट आता है हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, मैं आपको लिख के नहीं कराऊंगा, ओरली कराऊंगा, देखते हैं किस किस के समझ आता है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, ठीक है, ये पार्ट है, ध्यान से देख लो, इसका ऑप्शन भी नहीं लिखे मैंने और सॉल्यूशन भी नहीं लिखा, मैं आपको कैमरे के पीछे से ही कराऊंगा, क्या है और देख लो, ध्यान से देख लो, ये लो वन प्लस टेन स्क्वेयर ए आइडेंटिटी बनती है सेकंड, क्या बन गया सेकंड स्क्वेयर ए, वन प्लस कोट स्क्वेयर ए आइडेंटिटी बनती है थर्ड, क्या बन गया कोसिकेंट स्क्वेयर ए, ठीक है। सेकंड स्क्वेयर ए को क्या लिख सकते हो, वन अपोन कोस स्क्वेयर ए, कोसिकेंट स्क्वेयर ए को क्या लिख सकते हो, वन अपोन साइन स्क्वेयर ए, तो क्या बन के आ गया वन अपोन कोस स्क्वेयर ए अपोन वन प्लस साइन स्क्वेयर ए। फिर जो आया है यहाँ पे पी बाय क्यू अपोन में आर बाय एस, मतलब एक फ्रैक्शन के अपोन में दूसरी फ्रैक्शन आ गई, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या आई थी वन अपोन कोस स्क्वेयर ए, सेकंड ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, क्या बन जाएगी साइन स्क्वेयर ए अपॉन वन, तो वन की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये आएगा साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए। फिर आपको पता है कोस स्क्वेयर ए और साइन स्क्वेयर ए ये क्या बनता है हमारा, ये बनता है टेन स्क्वेयर ए, ऑप्शन में चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। सिर्फ आइडेंटिटी के बेस पे हमने ये सम किए, फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये चेक कर लोगे तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी है, सब कर लेना आपको। और नोटबुक बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आप लोग इसको देखते हुए लास्ट तक आए हो तो आपको वीडियो समझ आ रही है और अच्छी भी लग रही है, तो बच्चों इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है, और खुद तो पूरा देख ही लिया करो, अपना काम कंप्लीट करके, नोटबुक कंप्लीट करके मेरे पास पर्सनली सेंड कर दिया करो बच्चों, गुड।